अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा रबानी है। हम लोग सेगमेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सेगमेंटेशन के सेक्शन में आप देखें कि बेसिकली राइट साइड पे एक नेटवर्क मौजूद है, लेफ्ट साइड पे एक और नेटवर्क मौजूद है। इन दोनों नेटवर्क्स में कॉमन चीज़ इंटरनल इन सर्कल्स के अंदर आप देखें तो स्विचेस हैं। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये स्विचेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्विचेस बाय डिफॉल्ट अगर उन पे VLANs एक्टिवेटेड नहीं है, VLANs स्टैंड फॉर वर्चुअल LANs, तो ये नेटवर्क को सेग्रीगेट नहीं करते और नेटवर्क में हर नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि व्हाट आर VLANs। VLANs बेसिकली वर्चुअल LANs हैं और ये इस काम आती हैं कि ये किसी भी नेटवर्क को सेग्रीगेट कर सकें। सेग्रीगेशन से मुराद ये है कि आप अगर कन्फाइन करना चाहते हैं, आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर राउटर से जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो बाकी के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए VLANs का इस्तेमाल होता है। या आमतौर पर प्रैक्टिस हम लोग कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा रेफरेंस लेना हो तो आप देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर स्टूडेंट्स के लिए अलग वाईफाई होता है, फैकल्टी के लिए अलहदा वाईफाई हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एंड डीन्स, उनके लिए एक अलहदा वाईफाई होता है। या उनके आप ऑफिस में जाके देखें तो अलहदा से केबल आई हुई होती है। सो वो अक्सर वहाँ पे VLANs अटैच्ड होती हैं या VLANs का कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेड होता है। वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होती है बैक एंड फोर्थ, वो स्पेसिफिकली नेटवर्क्स को सेग्रीगेट कर देते हैं, नेटवर्क्स को अलहदा कर देते हैं। और उसका मकसद ये है कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को टच ना करे और एक कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स को पैकेट्स ना सेंड करे। उसकी ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस भी हैं और उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं। अगर एक कंप्यूटर 10.10.9.4 को पैकेट सेंड करना है 10.10.1.4 को, तो वो कैसे पैकेट सेंड करेगा? सबसे पहले वो अपना पैकेट सेंड करेगा जो उसका उस कंप्यूटर के लिए नेक्स्ट हॉप है, विच इज स्विच। स्विच को जैसे ही पैकेट रिसीव होगा तो वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बेस पे आइडेंटिफाई करेगा अपने कैम टेबल के अंदर और देखेगा कि ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस किसके पास मौजूद है। तो वो अपने नेक्स्ट स्विच को ये पैकेट हैंड ओवर करेगा और वो स्विच जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर को डायरेक्टली ये पैकेट हैंडओवर करेगा, जिसके साथ ये डायरेक्टली 1-to-1 बाय थ्रू इथरनेट केबल, लैंड केबल या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है, उसको ये सेंड कर रहा होगा। लेकिन अगर 10.10.1.4 में पैकेट सेंड करना है 192.168.2.3 को, फिर क्या होगा? सबसे पहले पैकेट जाएगा नियरेस्ट स्विच के पास और वो इसको अपने पेरेंट स्विच के पास पैकेट को भेजेगा। अब चूंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मालूम नहीं है, राउटर्स इन्वॉल्व होंगे और स्विच जो है वो अपने पेरेंट राउटर को ये पैकेट SSH हैंड ओवर कर देगा। और अब राउटर के पास ये राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि 192.168.2.0/24 कंप्लीट जो नेटवर्क है, पूरा सबनेट है, उसके अंदर मुझे नेक्स्ट स्विच कहाँ पे मिलेगा और मैंने उसको कैसे स्विच तक राउटर ने हैंडओवर करना है, और राउट और फिर स्विच आगे तमाम नोड्स को जानता है तो वो वहां से आगे पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। सो इट हैपेंस लाइक दिस कि राउटर ने राउट किया और आईपी एड्रेसेस के बेस पे राउट किया और उसने स्विच को हैंडओवर कर दिया पैकेट और स्विच ने फर्दर आगे फॉरवर्ड करके डायरेक्टली मशीन तक पहुंचा दिया या हमारे होस्ट तक पहुंचा दिया। फॉरवर्डिंग टेबल्स जैसे कि हम लोग थोड़ा सा पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मैक एड्रेसेस को इंटरफेसेस से बाइंड करते हैं। इंटरफेसेस से मुराद ये है कि वो पोर्ट जिनके ऊपर तार ईथरनेट केबल अटैच होती है और वहाँ से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जाके दोबारा से अटैच होती है। सो दैट इज पोर्ट और वो इंटरफेस है एक स्विच के परस्पेक्टिव से। तो हम देखते हैं कि एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से फॉरवर्डिंग कर रहा होता है।
फॉरवर्डिंग टेबल्स में ये इंफॉर्मेशन मैक इंटरफेस और टीटीएल टाइम टू लिव की इंफॉर्मेशन बेसिकली रैम में स्टोर हो रही होती है और ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होती है। इसका ऑब्वियसली मकसद ये होता है कि रैम एक फाइनाइट स्टोरेज है और इसके अंदर स्पेस फिनिश भी हो सकती है, तो कॉन्टिन्यूसली चेक करना कि कौन सी डिवाइस नेटवर्क पर मौजूद है और कौन सी नहीं, और उसके हिसाब से रिलेटिवली क्विकली ये चीज़ रिफ्रेश हो के बार बार जो ऑब्सोलीटेड डिवाइसेस हैं उनको निकाल देता है और अपडेटेड डिवाइसेस को ऐड कर लेता है। इस पिक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि एक सिंगल डिवाइस इंटरफेस 1 और 3 पे कनेक्टेड है, लेकिन दो डिवाइसेस ऐसी हैं या दो होस्ट ऐसे हैं जो कि इंटरफेस नंबर 2 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स देर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे कोई ना कोई बेसिकली स्विच है इंटरफेस नंबर 2 पे, जिसके थ्रू वो इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस को रिजॉल्व करेगा और वो पैकेट स्विच नंबर 2 पे आएगा और स्विच नंबर 2 से एक्चुअल होस्ट तक फॉरवर्ड होगा। जैसे कि हमने बात किया कि राउटर और स्विचेस के ऊपर स्पेसिफिकली मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं और उससे कनेक्शंस वो जो होते हैं और जो जो चीज़ से कनेक्टेड होती है डायरेक्टली उसके मैक एड्रेसेस वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पेसिफिक पोर्ट मैप ना हुई हो और वो लेफ्ट ओवर हो, लाइक उससे कोई कोई चीज़ कनेक्टेड ना हो, तो वहाँ पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन फिर इस कैम टेबल के अंदर अपडेट नहीं होगी। तो हमारे करंट एग्जांपल में इंटरफेस नंबर 4 के ऊपर कोई होस्ट अटैच नहीं है, तो इसलिए करंटली कैम टेबल के ऊपर उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है। क्लाइंट का मैक एड्रेस या होस्ट का मैक एड्रेस जिसमें उसे कनेक्ट करना है वो मौजूद नहीं है। मैंने आपसे बात की कि रैम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है और कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है, तो जो चीज़ इसको रिफ्रेश कर रही है और जो चीज़ इसको डिटरमाइन कर रही है कि कितनी देर रैम में स्टोर रहना है इस इंफॉर्मेशन ने, दैट इज़ बेसिकली टीटीएल टाइम टू लिव। और टाइम टू लिव जब वाइंड अप फिनिश होगा तो उस पॉइंट पे अगर ये इंफॉर्मेशन रिफ्रेश होती है और कोई डिवाइस डी अटैच हो जाती है नेटवर्क से, तो उस मोमेंट पे वो अपने टेबल में से इसको रिमूव कर देगा, बिकॉज अगेन रैम एक फाइनाइट मेमोरी लोकेशन है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक जगह मौजूद है जो कि हर चीज़ को एट ऑल टाइम स्टोर नहीं कर सकती, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि क्विकली इसको रिफ्रेश करते रहे और रिफ्रेशमेंट से जो भी ऐसे नेटवर्क डिवाइसेज है जो नेटवर्क से उतर गई हैं चली गई हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने टेबल में से रिमूव कर दें। सो डिजिटल फॉरेंसिक्स के परस्पेक्टिव में आपको इन टेबल्स को समटाइम्स फ्रीज करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रूवन एज फॉर फोरेंसिक्स एविडेंस के ये स्पेसिफिक कंप्यूटर यहाँ से कनेक्टेड था, इस स्विच से कनेक्टेड था। राउटर्स अपनी राउटिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने राउटिंग टेबल्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं, जबकि स्विचेस बेसिकली सोर्स मैक एड्रेस के बेसिस पे पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इनके कैम टेबल के अंदर मौजूद होती है और इसमें पता है कि इस मैक एड्रेस के लिए जो पैकेट आएगा उसको इस इंटरफेस से एग्जिट करना है। अगर एक कोई पैकेट इसके पास आता है और इसको इसको फॉरवर्ड करना है, तो वो बेसिकली डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करता है, बिकॉज स्विच के केस में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बेसिकली होस्ट नंबर बी का होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ए ने बी को पैकेट सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है नेटवर्क पे, तो अब ए जो है वो बी का मैक एड्रेस इंसर्ट करेगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि मैक एड्रेस ए को बी का मैक एड्रेस कैसे मिलेगा, इस बात की तरफ हम बाद में आते हैं, लेकिन इसके पास बाय डिफॉल्ट लेट्स से है, तो ए ने बी को जब पैकेट सेंड करना है तो वो ए अपने पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के तौर पे बी का मैक एड्रेस डालेगा, जो पैकेट फिर फर्दर स्विच को हैंडओवर हो जाएगा। स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीड करेगा और अपनी कैम टेबल के अंदर चेक करेगा कि ये स्पेसिफिकली मैक एड्रेस मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो उस स्पेसिफिक इंटरफेस से उस पैकेट को एग्जिट करवा देगा, और अगर स्पेसिफिकली उस मैक एड्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो वो अपने तमाम इंटरफेसेस से, ये स्विच की बात हो रही है, तमाम इंटरफेसेस से उस पैकेट को
मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करके हर किसी से एग्जिट करवा देगा. लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल पैकेट आया, फोर पोर्ट्स आर अवेलेबल, और उन फोर पोर्ट्स के ऊपर की इंफॉर्मेशन जो है कैम टेबल में उन फोर पोर्ट्स के अगेंस्ट वो मैक एड्रेस मौजूद नहीं है, तो वो उन फोर पोर्ट्स पे सेम पैकेट फॉरवर्ड कर देगा. और उससे ये होगा कि जो भी रिस्पॉन्ड पैक करेगा उस वो डायनामिकली उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक मैक एड्रेस को अपडेट कर लेगा. लाइक फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 3 ने इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस को के अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैक सेंड किया कि जी हाँ आई हैव एक्सेप्टेड द पैकेट और आई हैव फाउंड द डेस्टिनेशन. तो फिर वो बाद में लेटर ऑन मेन स्विच जो है वो इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा कि इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस का पैकेट अगर कोई आता है तो मैंने पोर्ट नंबर या इंटरफेस नंबर 3 पे फॉरवर्ड करना है. आई होप आपको ओवरऑल स्विचेस और फॉरवर्डिंग और सेगमेंटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आर्क को डिस्कस करेंगे, बेसिकली आर्क प्रोटोकॉल है क्या और किस तरह से काम आता है, और हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इसको अटैकर्स अब्यूज़ किस तरह से करते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.